जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो शुरू से ही कोरोना से निपटने के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे थे और यहाँ पर आदेशों का सिलसिला शुरू से ही जारी था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाता है कि रोड साइड ईटरीज को बैन कर दिया गया था, तमाम रेस्टोरेंट्स को यहाँ पर सामान बेचने से बैन कर दिया गया था, यहाँ पर लोगों का आवागमन बिल्कुल ही बंद हो चुका था, लेकिन आज दुकानें खुली हैं। और यहाँ पर अगर हम कहें अमृतसरी स्वीट शॉप, जो काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है, रघुनाथ बाज़ार के यहाँ पर पड़ती है और रघुनाथ मंदिर के ऑपोजिट है, यहाँ पर किस तरह के अभी यहाँ पर दुकान तो खुली है लेकिन एम्प्लॉयज जो है कम है, उस तादाद में नहीं है। हालांकि ये एक स्वीट शॉप है, यहाँ पर लोग ज़्यादातर, अगर मैं कहूँ तो टूरिस्ट ज़्यादातर आते थे जो रघुनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करते थे, आशीर्वाद पाते थे। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, अमृतसर दी हट्टी है और यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि हर एक चीज़ यहाँ पर प्योर देसी घी में बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, जिस तरह से हमने कहा कि प्रशासन शुरू से ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त यहाँ पर दिखाई दे रहा था, तो इनकी तरफ से यहाँ पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सैनिटाइज जो है पूरी दुकान को जो है यहाँ पर किया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम जो है किया जा रहा है, पूरा का यहाँ पर कवच बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब ये दुकान खुली थी तो यहाँ पर लच्छा कुल्फी मिलती थी जो 40 रुपए की होती थी, स्टिक कुल्फी मिलती थी जो 30 रुपए की होती थी। लोगों का आकर्षण का केंद्र ये दुकान हमेशा से रही है, क्योंकि रघुनाथ बाजार के यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं या फिर हम कहें जम्मू में जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, उनका आकर्षण का केंद्र ये दुकान रहती है और जब भी भूख लगती थी तो यहाँ पर वो आते थे। तो यहाँ पर जो ऑनर है मेरे साथ है, इनसे पूछूंगी, सर आज कितने दिनों के बाद दुकान खुली, कुछ राहत मिली है? मैम अराउंड अबाउट 2 मंथ्स के बाद आज दुकान खोली है। रहा तो अभी फ़िलहाल यही है कि एटलीस्ट हम साफ सफाई करवा सकें अपने इस्टेब्लिशमेंट की अच्छी तरह से, फिलहाल तो यही हमारा पर्पस है इस टाइम। यहाँ पर होम डिलीवरी की भी बात की जा रही है कि आपको होम डिलीवर करना है, सारा सामान घर तक पहुँचाना है, क्या उस प्रकार आज दुकान खुली है उस पर सोच विचार कोई व्यवस्था बनाई गई है? मैम अवेलेबल नहीं है जो होम डिलीवरी के लिए हम स्टार्ट कर सकें, इवन के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है। अभी तो फिलहाल साफ सफाई पर ही ध्यान रखा ही जाएगा होम डिलीवरी के लिए, अभी आने वाले हफ्ते में हम सोच सकते हैं, अभी फिलहाल तो कोई ऐसी। सवाल करूंगी सर, आर्थिक तौर पर हमारे देश कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा था, उसको मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार गाइडलाइंस करती है और यहाँ का प्रशासन करता है, लग रहा है कि अब जो आर्थिक गतिविधियाँ जो ठप पड़ी थी वो गाड़ी थोड़ी रफ्तार से चलेगी? नहीं मैम, अभी रफ्तार तो कोई नहीं, अभी तो फिलहाल अपने आप को सस्टेन कर पाना ही काफ़ी मुश्किल हो रहा है, रफ्तार पकड़ना तो काफ़ी दूर की बात है। नुकसान कितना हुआ है आप मुझे बताइए? नुकसान अभी तो काउंट नहीं किया पर लाखों में हुआ है। तो कितने एम्प्लॉयज जो है काम करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, आप उनका भी ध्यान रख रहे हैं, उनके साफ सफाई का कैसे ध्यान रख रहे हैं? मैम अभी तो खाली 2 से 3 एम्प्लॉयज ही आ पाए हैं, बाकी तो सब दूर दूर के रहने वाले हैं, वो तो यहाँ नहीं पहुँच पाए। जब तक सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं होगा तब तक तो वो कोई नहीं पहुँच पाएगा, जब आ जाएंगे तो उसके बाद फिर सब ध्यान रखा जाएगा, अभी तो फिलहाल 2 से 3 एम्प्लॉयज ही आ पाए। अच्छा, खुद को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं आप? यहाँ पर दुकान पर बैठेंगे 9 से लेकर 5 बजे तक, समय निर्धारित कर दिया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन आपको खुद की भी यहाँ पर सुरक्षा करनी है, उसके लिए क्या करने वाला है? खुद के लिए मैम मास्क है, ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र है, बस इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर कोई बाहर से आता तो बस यही है कि बस अच्छी तरह धोए साबुन से, उसके बाद ही हमको कुछ चीज़ दे सकें अगर यहाँ पर वो खाने के इच्छुक हैं, बाकी अपना ध्यान तो ऐसे ही रखेंगे जैसे अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये संकट काल है, कोरोना काल है। और जम्मू से आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ रघुनाथ बाजार से कि किस तरह से लोगों के आकर्षण का केंद्र ये बाजार बना होता है, और पूरा ये अगर मैं दिखाऊँ हैंडलूम्स की दुकानें हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो थे यहाँ पर मौजूद होते थे जब अमूमन जो था नॉर्मल डेज होते थे जब कोरोना काल नहीं होता था। लेकिन अभी आपको मैं दिखा दूँ दुकानें खुल चुकी हैं और यहाँ पर अगर हम कहें अमृतसर दी हट्टी, इनकी तरफ से यहाँ पर जो है सीधे तौर पर दुकान खोल दी गई है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय यही है कि हमारे पास उतने वर्कर्स नहीं हैं, उस तरह से होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार जो है इसके लिए भी सोचे, प्रशासन इसके ऊपर भी नज़र बनाए जिससे हमारा जो रोज़गार है, क्योंकि सवाल यही था कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, तो जवाब यही मिला, रफ्तार तो नहीं मिलेगी लेकिन ज़िंदा रहने के लिए ये दुकान खोलना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।